हेलो, नमस्ते। मैं शशि वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मम्मी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल के राधा बल्लभी पूड़ी। आइए शुरू करते हैं। मैं 3 कटोरी मैदा ले रही हूँ। ये राधा बल्लभ पूड़ी बनाने के लिए मैं आटा लगा के रख लेती हूँ। मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है, इसको हाथ से मसल लेते हैं इस तरह। इससे क्या है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधी चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। राधा बल्लभ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप कभी भी छुट्टी के टाइम पे बनाएं। 2 चम्मच ऑयल डाला है, तरह से मसलना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ। इस तरह का डो बनाना जिस तरह की आप पूड़ियाँ बनाती हैं, इस तरह का डो रेडी करना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ज़्यादा टाइट बनाना है। देखिए, इस तरह से मसल के मैंने आटा तैयार कर लिया। ना सॉफ्ट है ना टाइट है, बहुत अच्छा है। और मैंने 1 गिलास पानी लिया था, इसमें 2 चम्मच पानी बचा हुआ है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए, जब तक स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। मैं पैन को गरम कर रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। 2 चम्मच जीरा डाला है। इसको ब्राउन होने तक भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। देखिए कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, एक प्लेट ठंडा करती हूँ। 1 कटोरी दाल लिया था और मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए रखा था। अब मैं इसको पीस लेती हूँ और इसको दरदरा पीसना है, ज़्यादा महीने पीसना है। मेरी दाल पिस गई है, अब मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पीसना है, एकदम महीन नहीं पीसना है। ये दरदरी सी दाल है, इस तरह से थोड़ी मोटी रहेगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसके दौरान ये मसाला पीस लेती हूँ। काली मिर्ची डाली हूँ 1 छोटी चम्मच। देखिए पिस गया है, कितना अच्छा मसाला बन गया है। मैंने 4-5 कली लहसुन की ली है और मैं अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ। इसको कुचल लेती हूँ। पैन को गरम कर रही हूँ। मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब इसको गरम होने देते हैं। मैंने 1 पिंच हींग डाल दी है। अब मैं अदरक और लहसुन का कुचरा हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। इसको क्रश कर लिया था, कलर आने तक इसको भूनना है। गैस को मीडियम कर देते हैं। अब मैं इसी में 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसी में 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, चला देती हूँ। अब मैं इसी में डाल रही हूँ दाल। मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ पेस्ट के अनुसार। इसको अच्छे से मिला लेना है पूरी तरह से। बहुत अच्छी बनती है, आप एक बार बना के देखिए राधा बल्लभ पूड़ी, और बहुत टेस्टी बनती है। चाट मसाला डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच। मसाला बनाया था ना, वो पीस लिया था, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लेना है। 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से भूज लेना है। मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है। आज मसाला रेडी है। अब मैं इसी में धनिया पत्ती डाल देती हूँ। धनिया अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मूंगफली का तेल डाल रही हूँ। आटा तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसको निकाल के मसल लेती हूँ। थोड़ा सी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ, इस तरह से तोड़ लेना है। ये थोड़ी सी क्या है, बड़ी बनेगी, बड़ी लोई लेना है। अब इसको इस तरह से बेल लेना है। अब इसमें स्टफिंग भर देती हूँ। अब इसको इस तरह से दबाना है, इस तरह से अच्छे से। फिर इसको इकट्ठा कर लेना है इस तरह से। एक्स्ट्रा जो आटा निकलेगा उसको निकाल लेना है। अब इसको इस तरह से हाथ से दबा देना। अब मैं तेल लगा के इसको बेलूँगी। बेल लेती हूँ। ये क्या है, राधा बल्लभ पूड़ी, थोड़ी सी
पूड़ी से बड़ी बनाई जाती है। देखिए इस तरह से बेलना है, इतनी बड़ी बनाना है। तेल अच्छा गर्म है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। गैस को कर देती हूँ मीडियम। थोड़ा सा ये कलछनी से इस तरह से दबा देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेके ताकि ये जलने लगती है, सेक नहीं पाएगी अंदर तक। ये देखिए कितने अच्छे से मस्त हो गई है, अच्छे से फूल गई है। अब इसको सेकने देते हैं मीडियम आँच पे। अब इसी तरह मैं दूसरी बना लेती हूँ। देखिए मैंने रोटी के साइज का आटा लिया है, अब मैं इसको इससे बेल लेती हूँ। अब मैं स्टफिंग भर देती हूँ, यह तो आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया, वो कितने अच्छे से फूल गई है। इस तरह से टिका के रखे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो कढ़ाई में वापस चला जाएगा। इस तरह बनाइए आप, तो दबाइए, ऐसे दबा देना है और जो एक्स्ट्रा आटा रहता है उसको इस तरह से निकाल लेना है। ऐसे थोड़ा सा हाथ से दबा देना है। मैंने तेल लगा लिया है, अब पूड़ी से बड़ी बनाना है। अब मोटी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, तभी तो ये फूलेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, अच्छा गर्म है। इसे दबा के सेकेंगे तो देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। इसको मैं पलट देती हूँ, इसको सेकने देते हैं कलर आने तक। इसको पलट पलट के कलर आने तक इसको सेके, देखिए कितना अच्छा कलर आया। इस तरह से कलर आना चाहिए। ये सेक गई है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने बना के तैयार कर ली है राधा वल्लभी पूड़ी। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। आप मेरे तरीके से बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आने वाला वीडियो देखते रहिए और पिछला वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू। तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए आवाज़ आ रही है, ये देखिए फूली फूली सी है। देखिए दाल कितने अच्छे से चारों तरफ से चिपकी हुई है, देखिए कितनी अच्छी है और क्रिस्पी भी है।